नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। दोस्तों, ये मैथ के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 6 है। दोस्तों, ऐसे ही हम रीजनिंग में भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्नों को दोस्तों आप जरूर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले एक बात और बता दूं, दोस्तों एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ईबुक लॉन्च किया गया है। यह ईबुक दोस्तों आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आपके अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईबुक है। इस ईबुक में दोस्तों 1500 प्लस क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन 1500 प्लस क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या दोस्तों, साइंस के 20 सेट मिल जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के वन लाइनर 25 सेट और मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में सॉल्व किया हुआ है, आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। और मैथ्स और रीजनिंग जितने भी इसमें क्वेश्चन है सारे रिपीटेड क्वेश्चन को शामिल किया गया है, यानी जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस ईबुक को दोस्तों आप लेंगे कहां से, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं। आप कहीं पे भी क्लिक करके दोस्तों इस ईबुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो यदि एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है दोस्तों, नंबर है 7080108555, आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक की कीमत मात्र 49 रुपीज है, वो भी दोस्तों लिमिटेड टाइम के लिए है। आप इसे जरूर ले लीजिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। यह ईबुक है दोस्तों पीडीएफ नोट्स की तरह है, तुरंत ही आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, ये मार्केट में नहीं मिलेगी। इसे एक बार लेके दोस्तों आप लोग जरूर पढ़िए, बहुत आपको लाभ मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत से स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं सॉल्व कैसे करना है, और बहुत आसान है, एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, आसान तरीका बता रहा हूं। प्रश्न को एक बार पढ़िएगा। प्रश्न है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ पर बेचने पर मिले विक्रय मूल्यों में 3 रुपए का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, कितने कितने परसेंट लाभ पे, 4%, एक वस्तु को 4% और तथा 8% के लाभ पे। 4% लाभ का मतलब क्या होगा दोस्तों, 104 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना, 104% हो जाएगा, ये चीज समझ रहे हैं। 8% लाभ का मतलब क्या होगा, 108 हो जाएगा, यही तो होगा, यही क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्यों का रेशियो है। आप अब क्या करिए, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब आप यहां पे ऐसे कर सकते हैं, आप इसको कटा के छोटा कर लीजिए, रेशियो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात का आ जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, कटाना है तो 4 × 8, 4 × 1 = 4, देखिएगा, सॉरी 4 × 8 और 4 × 6 = 24, 26 हो जाएगा। और यहां पे इसे कटाएंगे तो 4 × 8, 4 × 7 = 28, 26:27 का रेशियो आएगा। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आप अब चाहे तो विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या दिया दोस्तों, 3 रुपए दिया ना, तो आप देखिए 26:27 का रेशियो क्या है, 1 है, तो 3 गुना कर दीजिए, 26 से क्या होगा दोस्तों, 78 हो जाएगा, और 27 से क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या आ जाएंगे, 78 81 का अंतर क्या होगा, 3 रुपए होगा। लेकिन आपको यह नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, विक्रय मूल्यों का अनुपात, तो विक्रय मूल्यों का अनुपात होगा 26:27, बस इतना ही बताना है। तो देखिए 26:27 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ये भी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आसान तरीका बता रहा हूं, एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है।
क्वेश्चन है, ए बी से दोगुनी गति से काम करता है, यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसको कर सकता है, यानी अकेले बी उसे कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। ए जो है बी से दोगुनी गति से काम करता है, देखिएगा ए अगर जो दोस्तों मान ले एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा दोस्तों, 2 यूनिट काम करेगा, तो बी दोस्तों एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है ना, ए बी से दोगुनी गति से काम करता है, समझ रहे, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो बी कितना करेगा, 1 यूनिट, तभी तो 2 गुना काम हुआ। अब देखिए यहां पे कह रहा है दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों एक दिन का काम क्या होगा, दोनों का एक दिन का काम बताइए, ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में क्या कर रहा है, 1 यूनिट, दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, 3 यूनिट काम होगा, 12 दिन में कितना यूनिट काम होगा दोस्तों, 12 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं ना, देखिए 12 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं तो 3 × 12 यानी कि 36 यूनिट टोटल काम क्या है दोस्तों, 36 यूनिट है, तभी तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, पूछ क्या रहा है प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है तो अकेला बी उसको कर सकता है, यानी टोटल काम क्या है दोस्तों, 36 यूनिट है, इसको बी कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 36 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन लेगा दोस्तों, 36 दिन लेगा, ये आंसर हो जाएगा 36 दिन। आप चाहे तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके, इस प्रश्न के लिए XY मानने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए 36 दिन किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, और जो नए स्टूडेंट हैं हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, हम बहुत अच्छे तरीके से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, आप एग्जाम अच्छे तरीके से पास करेंगे, बस करना क्या है, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हम पहले भी बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न लगभग रेलवे एग्जाम में 8 से 10 बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, इस क्वेश्चन के लिए आपको XY बिल्कुल भी नहीं मानना है, ना कोई समीकरण बनाना है, डायरेक्ट आंसर देना है, वो भी बिना पेन उठाए, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर, कैसे दिया जाता है हम बता रहे हैं। पहले प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48-48 है, मुर्गियों की संख्या होगी, मुर्गियों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पहले भी ऐसे प्रश्न कराया हूं तो पहले यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां की जगह प्रश्न अगर बदले तो कबूतर दे सकता है, तोता दे सकता है, कोई भी पक्षी दे सकता है, कहने का मतलब 2 पैर 1 सिर, ठीक है, और गाय की जगह दोस्तों क्वेश्चन बदल के क्या कर सकता है, भैंस दे सकता है, बकरी दे सकता है, घोड़ा दे सकता है, गधा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, यानी कहने का मतलब जानवर देगा जिसका जिसके 4 पैर होंगे और 1 सर, समझ रहे ना, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 4 पैरों वालों की दोस्तों संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, फॉर्मूला नहीं आसान तरीका है, L/2 - H, कहने का मतलब है पैरों की संख्या लेग को 2 से भाग कर दीजिए और उसमें से सिरों की संख्या घटा दीजिए, क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 पैरों वालों की संख्या आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, पैरों की संख्या टोटल क्या है दोस्तों, 140 है, 140 को 2 से भाग कर दीजिए और इसमें से सिरों की संख्या यानी 48-48 घटा दीजिए, जब 2 से भाग करेंगे तो 2 × 7 = 14 = 70 होगा और 70 में से दोस्तों 48 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 22, ये 22 आंसर आपका नहीं होगा। ये देखिए ये 4 पैरों वाले यानी गायों की संख्या आई है 22, अब पूछ कह रहे हैं मुर्गियों की संख्या, तो 2 पैरों वालों की संख्या यानी पक्षियों की संख्या बताना है, तो आप टोटल जो है दोस्तों क्या है, सिरों की संख्या कितनी, 48, यानी दोनों मिला के 48 है, इसमें से आप क्या करिए दोस्तों, 22 घटा दीजिए, कहने का मतलब है जब दोस्तों 48 ही है, मस्तक जितने होते हैं उतने ही टोटल है ये पशु पक्षी, ठीक है, इसमें से जब 22 यानी गायों की संख्या घटा देंगे तो बचेगा क्या, मुर्गियों की संख्या, जब इसमें से 22
घटा देंगे तो बचेगा क्या दोस्तों 26, और ये आपका आ गया दोस्तों क्या मुर्गियों की संख्या। तो देखिए 26 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर पूछे गायों की संख्या तो डायरेक्ट आंसर आ गया था 22 ही बोल देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप चाहे तो इसके लिए पेन ना भी उठाएं तो भी सॉल्व हो जाएगा। आप पैरों की संख्या को आधा कर दीजिए, यानी कि 140 से आधा करेंगे 70, 70 में से 48 घटा दीजिए 22, ये आ गया क्या दोस्तों गायों की संख्या, यानी कि ये चार पैर वालों की संख्या आ गया। अब इसमें से 22 दोस्तों घटा देंगे सिरों की संख्या में से तो 26 आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया दो पैरों वालों यानी पक्षियों की संख्या आ गया, मुर्गियों की संख्या आ गया। समझ रहे हैं? तो क्या इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है, XY मानने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट XY मानते हैं, दो समीकरण बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तो ऐसे गलती आप ना करिए, डायरेक्ट आंसर दीजिए, 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाता है। और हम उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, और ईबुक को जितने स्टूडेंट अभी तक लिए तो जरूर लेके पढ़िए दोस्तों। हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें सारे रिपीटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं। तो ईबुक को आप एक बार लीजिए और सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रेलवे एग्जाम में दोस्तों लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को हम आसान तरीका बता रहे हैं सॉल्व करने के लिए। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि a+2b = 55 और a-2b = -13 तो b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, दो समीकरण बनाना है, काट देना है, a का वैल्यू b में रख देंगे, यानी पहले समीकरण में रख देंगे, b का मान आ जाएगा। इसे सॉल्व करा देते हैं, लेकिन पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं। देखिए पहला समीकरण क्या कह रहा है, a+2b = 55, ठीक है, और क्या बोल रहा है दूसरा समीकरण देखिएगा, दूसरा समीकरण ये है a-2b = -13, यही है ना। चलिए दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लीजिए, तो ये +2b - 2b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a क्या हो जाएगा दोस्तों 2a हो जाएगा, बराबर 55 में से 13 दोस्तों घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 55 में से 13 घटाएंगे 42 आएगा, 42 ही आएगा, a = 2a = दोस्तों 42, तो a = क्या होगा 42/2 यानी कि 21 हो जाएगा, a = क्या आया दोस्तों 21 आ गया। प्रश्न में पूछ क्या रहा है बी, तो a = 21 है ना, तो a = 21 यहां पर जब रख देंगे पहले समीकरण में, यानी ये पहला समीकरण है ध्यान दीजिएगा, और ये आपका क्या है दोस्तों दूसरा समीकरण है, तो a = यहां पे आप 21 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 = कुछ जाएगा माइनस में होगा, समझ रहे ना। जब देखिए a = क्या है 21 है, देखिएगा जब ये बराबर कुछ जाएगा 55 में से क्या हो जाएगा घट जाएगा, जब 55 में से दोस्तों क्या घटेगा 21 घटेगा, 55 में से जब 21 घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों 34 आएगा, यानी इधर क्या बचेगा 2b बचेगा, 2b = क्या होगा दोस्तों 34 होगा, तो b = क्या होगा 34/2 यानी कि 17, 34 को जब 2 से भाग करेंगे तो 17 आ जाएगा, b का मान क्या होगा 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 17 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो क्या इसे बताना जरूरी है, हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे प्रश्नों को अपने आप से भी सॉल्व लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बेसिक वाले चैनल पे भी बताऊं, बेसिक वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। उस चैनल पे दोस्तों हम आपको बता दें बेसिक मैथ पढ़ाया हूं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम एससीएफ निकालना, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एससीएफ और पशांतर करना, तिर्य गुणनखंड, जितने भी बेसिक हो सकते हैं दोस्तों सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर कर दिया हूं। अगर आपको बेसिक मैथ में दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो बेसिक मैथ भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम पे भी आप एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है, और इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है ना XY मानने की जरूरत है, मात्र 2-3 सेकंड के अंदर ये भी सॉल्व हो जाएगा, बस प्रश्न को पढ़िएगा। देखिएगा हम रेलवे एग्जाम के लिए
लिए ही नहीं बल्कि अदर एग्जाम्स के लिए भी दोस्तों प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो हम आपको दोस्तों गारंटी देते हैं, आप जब हमसे पूरी मैथ कंप्लीट किए रहेंगे तो आप 70-80 प्रश्न तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। 70-80% क्वेश्चन जो होंगे आप बिना पेन उठाए ही सॉल्व कर देंगे, जो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं एक्स और वाई मान के सॉल्व करके टाइम अपनी वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम प्रश्नों को ऐसे बताते हैं ताकि आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट आंसर दें। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जितनी तैयारी करा रहा हूं उतनी तैयारी करिए और अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, पहले हम बता रहे हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों, दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या क्या है। तो पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, आप कभी भी मैथ के प्रश्न सॉल्व करिए तो क्वेश्चन समझने का प्रयास जरूर करिए, क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या ठीक है, और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या, यानी जब स्थान बदल देंगे, पहली संख्या तो हो गई, जब स्थान बदल लेंगे तो नया संख्या होगा, दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 132। और कह रहा है यदि अंकों का अंतर, यानी दोनों को आपस में अंतर करें, यानी बड़े छह संख्या में से छोटे संख्या को घटाए तो 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो इसके लिए सबसे आसान जो तरीका होता है वो होता है गो थ्रू ऑप्शन, यानी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। देखिए जो ऑप्शन पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही आपका आंसर होगा। मान लीजिए पहला ऑप्शन को लेते हैं, ठीक है, ये पहला ऑप्शन क्या है 37, इसका अंतर देखिए, अंतर कहने का मतलब है 7 में से 3 को घटाइए क्या आएगा 4, अंतर 4 है। अब ये बोल रहा है दोस्तों दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों का स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, यानी कि ये 37 है, अब स्थान बदल दीजिए तो 37 का स्थान बदल देंगे, 3-7 है तो ये 7-3 हो जाएगा, 37 और दोस्तों 73 जोड़ने पे क्या 132 होगा, 7-3-10 इकाई अंक पे 0 आ रहा है, नहीं होगा, समझ रहे हैं आप, जोड़ के देखिए 7-3-10 का 0 हासिल 1, 7-3-10 1-11 जोड़ने पे 110 आया, ये 132 आ रहा है नहीं आ रहा है, पहला नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की ओर चलिए, दूसरा ऑप्शन में अंतर पहले देखिए 84 है, 8-4 का अंतर, यानी 8 में से 4 घटाएंगे 4, अंतर 4 है, यानी पहला जो यहां पे कंडीशन लास्ट वाला है इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए 84 और इसके अंकों को बदल के जोड़िए क्या 132 आ रहा है, तो अंक का स्थान बदलेंगे जब दोस्तों, देखिए प्लस करना है, 84 को जब बदल देंगे तो क्या 8-4 है तो ये 4-8 हो जाएगा 48, अब 84 प्लस 48 जोड़िए क्या 132 है, 8-4-12 का 2 हासिल 1, 8-4-12 1-13 132 जोड़ने पे हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी वो संख्या क्या होगा दोस्तों, वो संख्या होगा 84, 84 होगा, समझ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं आप दोस्तों इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर ऐसे देंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को नोट जरूर किया करिए, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे प्रश्नों को नोट करिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिए। अभी लास्ट में हम आपको बता रहे हैं क्रैश कोर्स के बारे में भी, और ध्यान दीजिएगा ई बुक अभी तक नहीं लिए हैं तो ई बुक लेके जरूर पढ़िए, क्योंकि हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही उसमें शामिल किए हैं। और ध्यान दीजिएगा आपके लिए दोस्तों हम फ्री में क्रैश कोर्स चलाए हैं, क्रैश कोर्स मैथ, देखिएगा मैथ्स और रीजनिंग दोनों की चलाए हैं, आपकी साइंस की भी क्रैश कोर्स चली है, जनरल अवेयरनेस की भी क्रैश कोर्स चली है, रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से दोस्तों एक प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे उसमें 38 वीडियोज है, रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है उसमें भी 38 वीडियोज है, और इन सब का लिंक दोस्तों यहां ऊपर आई बटन पे दे दिया गया है। ठीक है, आई बटन पे क्लिक करके आप सारे क्रैश कोर्स के पार्ट को देख सकते हैं, और हम आपको बता दें ये क्रैश कोर्स आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बना है, जैसे जैसे आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया वैसे वैसे दोस्तों हम क्रैश कोर्स में सारे चैप्टर को कंप्लीट किए हैं, तो क्रैश कोर्स के सभी वीडियो को सभी पार्टों को जरूर देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आपके पास टाइम बचता है तो प्रैक्टिस के तौर पे दोस्तों मैथ्स ऑल वीडियो और रीजनिंग ऑल वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, मैथ्स वाले में 339 और रीजनिंग वाले में 334 वीडियो है, इसका भी लिंक दोस्तों मैं ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं, आई बटन पे क्लिक करके आप इन सभी पार्टों को भी जरूर देखिए, ये भी
ही रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें भी पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो इन सभी वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, इन्हीं सब वीडियो को जोड़ के और ऐप पे सेल करते हैं, 499 ऐसे करके सेल करते हैं। तो उनकी सेल वाली वीडियो ना लीजिए, इसे आप देखिए, ठीक है। इसे देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप अच्छे तरीके से एग्जाम को भी पास कर जाएंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन कवर कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके 80-90% क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे, और जो 10-20% क्वेश्चन बच रहा है उसको हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा दे रहे हैं, आपके 100% की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। बस आपको करना क्या है, मन लगा के अच्छे से पढ़ना है, जितना आपके पास टाइम बच रहा है वो प्रिपरेशन में लगाइए, तैयारी में लगाइए। टाइम कम है, बस करना क्या है, अच्छे तरीके से पढ़िए। कहीं समस्या होती है तो कमेंट करिए, उस समस्या का समाधान भी हम करेंगे। तो दोस्तों जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें बताइए, और अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए, ताकि डेली आपको सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।